So hello guys, we are starting the first chapter of our series General Science for All Competitive Exams, including teaching exams, higher teaching exams के लिए NCERT focused बहुत ही important topic आज हम start कर रहे हैं acid and bases, right? मैंने आपको बताया था दो से तीन videos में अपन इसको cover कर लेंगे and जो आपके exam point of view से important हैं, जो आपके exam में आते हैं questions, उन टॉपिक्स पे फोकस करते हुए चलेंगे। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, तो एनसीईआरटी को हम लोग इसमें मेन हम अपना फोकस रखेंगे, ठीक है? तो आई होप चीजें क्लियर रहेंगी। कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप कमेंट्स के थ्रू हमारे आपको रीच आउट कर सकते हो। वी विल ट्राई टू इंप्रूव आवर कंटेंट डे बाय डे। अभी के लिए तो ये व्हाइट बोर्ड है, तो इस पर ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी क्वालिटी इश्यूज होंगे तो थोड़ा सा बियर कर लेना आप। कॉन्टेंट वाइज काफी टू दी पॉइंट बातें मिलेंगी आपको, इसकी मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को मेनली बांटा गया, ठीक है? नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को मेनली बांटा गया है एसिड, ठीक है, बेसेस एंड सॉल्ट्स में। अब बात ये उठती है कि सर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को मेनली तीन तरह से बांट दिया गया था, एसिड बेसिड एंड सॉल्ट। ध्यान रखना मैं क्लास 6 के लेवल से लेकर के 12 के लेवल तक की चीजें जो होंगी वो कवर करूंगा। तो स्टार्टिंग में बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड टू द पॉइंट पर जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्लास 6 वाले लेवल से भी आ जाते हैं, क्योंकि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट और आईआईटी एग्जाम्स है नहीं। क्लास 9 10 के लेवल से भी आ जाते हैं और कभी कभी 11 12 पे भी वो रीच आउट करता है, तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है? तो सर नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के तर्ज पर बांटा गया। शुरू में ये हुआ कि एसिड बेसिस को पता कैसे किया जाए, यार ये एसिड है और ये बेसिस है या बेस दिया गया है। तो एसिड और बेस के लिए मुख्यतः टेस्ट के आधार पे या फिर टच के आधार पे इसको डिफरेंशिएट किया गया। सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इधर-उधर की बात नहीं, टू दी पॉइंट बात करेंगे। एसिड और बेसिस को टेस्ट के आधार पे इसको कहा गया कि ये सावर होता है टेस्ट में। अगर कोई भी चीज अगर आप टेस्ट करो, दिए गए सब्सटेंस को अगर आप टेस्ट करोगे और उसका टेस्ट अगर आपको सावर दिखे या सावर मिले, खट्टा लगे आपको, शावर लगे, तो वो क्या होगा? वो एसिड होगा। और बेस होगा दैट विल बिटर इन टेस्ट, और अगर आप इसको छुओगे तो स्लिपरी इन नेचर, आपको इसमें स्लिपरीनेस दिखेगा, ये स्लिपरी इन नेचर होगा, ठीक है? जब आप इसको टच करोगे तो ये स्लिपरी आपको फील होगा और टेस्ट में बिटर फील होगा। अगर ये चीजें होती है सब्सटेंस में तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बेस कह देते हैं। और अगर सावर होता है टेस्ट में तो इसको हम क्या कह देते हैं? एसिड कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेमन जूस कभी देखना, ठीक है, विनेगर, सिरका जिसको कहते हैं, तो घर में जनरली यूज करते हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एसिड। इनका टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। कभी लेकर देखे होगे आप तो पता चलेगा आपको। बेस की बात कर लें, घर में जो साबुन हम जनरली यूज करते हैं, जो क्या है? साबुन। कभी आपने देखा है वो स्लिपरी इन नेचर होता है, स्लिपरी इन नेचर होता है। सोडा, कौन सा सोडा? कुकिंग सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, राइट? इसका टेस्ट कभी करके देखना, इट इज बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है टेस्ट? बिटर होता है टेस्ट। तो ये कहा गया टेस्ट के आधार पे कि कुछ सब्सटेंस या फिर जो सब्सटेंस है अगर उनका टेस्ट बिटर होगा, अगर उनका नेचर कैसा होगा? स्लिपरी होगा। अगर उनका नेचर, ठीक है, उनका नेचर कैसा होगा? स्लिपरी होगा उनका नेचर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस के कैटेगरी में रख देंगे, और सावर होगा, ठीक है, खट्टा होगा, तो लेमन जूस, विनेगर, जो भी एग्जांपल, उनको हम लोग एसिड के कैटेगरी में रख देंगे। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई अननोन लिक्विड या फिर वो दे दिया जाए, सब्सटेंस दे दिया जाए, अननोन लिक्विड आपको यहां पर दे दिया गया है, ठीक, अब आपको बताना है कि ये एसिड है या बेस है, एसिड है या फिर बेस है, कैसे बताओगे आप? ठीक है, टेस्ट कैसे किसी अननोन चीज को टेस्ट कर सकते हो? फॉर एग्जांपल यहां पर तेजाब हो, एसिड हो, या फिर आपको HCl दे दिया गया हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में एसिड, अब हमें पता है कि ये एसिड है, बट इसमें अननोन लिक्विड है ना। यहां पर अननोन लिक्विड का नाम क्या था? HCl था। यहां पर एक अननोन लिक्विड आपको लाकर के एक बीकर में रख दिया गया जो कि एसिड था, HCl था, बट आपको बताया नहीं गया। क्या आप इसको टेस्ट करके बता पाओगे एसिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जी जल जाएगा, हजार्डस है, इसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर कैसे बताएंगे एसिड है कि बेस है? सर सवाल उठता है ना। तो किसी भी सब्सटेंस को एसिड बेस बताने के लिए
शुरुआत में जो थ्योरी दी गई, शुरुआत में जो कहा गया कि टेस्ट के आधार पे और टच के आधार पे, फील के आधार पे बता दो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, वो ज्यादा दिन चला नहीं, ठीक है, वो चला नहीं है। उसके बाद चीजें क्या हुई कि इसके बाद यहाँ पर गेम आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड बेसिस को तो इस तरह से हमने बता दिया कि टेस्ट के आधार पे बेसिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार आया हुआ है कि एसिड्स आर डैशिंग टेस्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एसिड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इंडिकेटर ऑफ एसिड या फिर बेस, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बेसिक था, ये आपके क्लास 6 7 में आपको पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद यहां पर सवाल आया कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते तो कैसे बताएंगे कि सर वो एसिड है कि बेस है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, दैट इज इंडिकेटर्स। फिर बाद में लोग देखेंगे एसिड बेस का क्या डेफिनेशन आया, किस आधार पे उसको डिफरेंशिएट किया गया, बट क्योंकि ये इश्यूज आया शुरू में कि कैसे एसिड बताया जाए कैसे बेस बताया जाए बिना टेस्ट किए हुए बिना टच किए हुए, उस केस में आपका रोल प्ले करता है बच्चों इंडिकेटर्स, राइट। जो भी मेरे क्लास 6 7 8 के बच्चे यहां देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए इंपॉर्टेंट, और जो टीचिंग एस्पिरेंट्स है वो तो जान ही रहे हैं, बट स्टिल थिंग चीजें हैं तो इसको आप देखोगे। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या है, इट इज अ डाई, एक तरह का डाई है जो क्या करता है, चेंज इन कलर, कलर के चेंज से ये क्या बताता है, चेंज इन कलर टेल्स अस दैट गिवन सब्सटेंस, जो दिया हुआ सब्सटेंस है हमें, इज वेदर, दिया हुआ सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है। समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भी हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें हम देखने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स को समझो आप, इंडिकेटर्स क्या है, तो बेसिकली इंडिकेटर्स वो चीजें हैं जो कि आपको चेंज इन कलर के थ्रू, चेंज इन कलर के माध्यम से, ठीक है, जैसे ही आप उसको डालोगे, ठीक है, इंडिकेटर्स का जब भी आप यूज करोगे, इंडिकेटर्स एक तरह के डाई हैं जो कि क्या करेंगे, चेंज करेंगे कलर्स को, कलर्स के चेंज के हिसाब से आपको बताएंगे कि जो दिया गया सब्सटेंस है ना वो एसिड है कि बेस है। अब इसमें आगे हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ये तो आपको समझ में आ गया इंडिकेटर क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ डाई जो क्या करेगा, जो चेंज करके कलर आपको बता देगा कि भाई ये एसिड है तुम्हारा या फिर बेस है। इसके लिए हमको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये स्लिपरी नेचर है या नहीं है, ये सब चीजें से हमें छुटकारा तो मिल गया इंडिकेटर्स के इजाद होने से, इंडिकेटर्स के फाइंड होने से, ठीक है, इंडिकेटर्स के आने से। बट अब हम समझते हैं कि इंडिकेटर्स बेसिकली जो दिखाते हैं चेंज इन कलर के माध्यम से वो किस आधार पे और कितने टाइप्स के होते हैं, ब्रॉडली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हम देखने वाले हैं, ध्यान से ये चीजें देख लेना, 100% इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है इंडिकेटर्स। सबसे पहला हम उसके टाइप्स के ब्रॉड डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। पहला होता है बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा सिंथेटिक, एंड तीसरा ऑल्फैक्टरी। क्या है तीनों, तीनों पर डिस्कस करेंगे। पहले आप नाम को समझो, नाम से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कई बार, तो यहां पर भी नाम से क्लियर हो रही हैं चीजें। इंडिकेटर्स जिसकी बात हमने की वो अब मुख्यतः तीन तरह के पाए गए, तीन तरह में उसको डिफरेंशिएट किया गया। पहला क्या है, नेचुरल, चाहो तो आप इसका एक कंपाउंड बना लो, क्या है पहला, नेचुरल। दूसरा किसकी बात हम कर रहे हैं, सिंथेटिक, किसकी बात कर रहे हैं, सिंथेटिक दोस्तों। और तीसरा ऑल्फैक्ट्री, नाम से क्लियर, नेचुरल मतलब नेचर से बना हुआ, फूल पत्तियों से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके प्रोडक्ट से, उसके हेल्प से बना हुआ। सिंथेटिक केमिकली फॉर्म, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म, केमिकल्स के हेल्प से बना हुआ सिंथेटिक है, ठीक है, मैन मेड सिंथेटिक, नेचुरल नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं बना, ये केमिकल ऑर्गेनाइज है, केमिकल से बना हुआ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये आपको स्मेल के आधार पे आपको चीजें बता देगा कि ये इंडिकेटर एसिड है या बेस है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स होंगे जो आपको बता देंगे किसके आधार पे, स्मेल के आधार पे आपको ये बता देंगे कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। क्लियर, चलिए अब नेचुरल इंडिकेटर के अंदर जो सबसे पहला सवाल आपको आता है एग्जाम्स में और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, लिटमस को, ठीक है। सो क्या पढ़ते हैं, लिटमस के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही बेसिक्स में जाना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना,
एग्जाम्स के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लाइकेन से बनता है, ठीक है? बायोलॉजी में एक टर्म है लाइकेन, अभी इतना समझो आप, इट इज डिराइव फ्रॉम लाइकेन्स, लाइकेन से ये डिराइव होता है, लाइकेन से लिटमस बनता है, ठीक है? और ये जो चेंज इन कलर होता है उसके अकॉर्डिंगली ये बताता है कि एसिड है या फिर बेस है, कि किसका, एंड दिस इज नेचुरल इंडिकेटर, ये क्या है? नेचुरल है। अब बात करते हैं चेंज इन कलर में, किस तरीके से जो आपका लिटमस है वो किस तरह से कलर चेंज दिखाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ये लिटमस होता है ना, ये पेपर के फॉर्म में जनरली हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर या फिर एग्जाम्स में भी आपको आएगा लिटमस पेपर के फॉर्म में, ठीक है? तो लिटमस क्या होता है? पेपर के फॉर्म में यूज होता है, डिराइव फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से डिराइव होता है, एंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? परफेक्ट, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर लाइकेन्स क्या है, तो इसको अगर आप देखना चाहो तो डिटेल में जाकर देख सकते हो, फंगाई एंड एल्गी, इसके कॉम्बिनेशन से या कह सकते हो इसका एक सिमेट्रिक रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन होता है, तो फंगी और एल्गी के एसोसिएशन से बनने वाला, या फिर जो जनरली फंगी और एल्गी के एसोसिएशन के कारण जो हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड लाइकेन, ठीक है? चलो अब आते हैं इसके कलर चेंज पर। तो सबसे पहले याद रखो, जो लिटमस होता है बेसिकली वो नेचुरली पर्पल कलर का होता है, बट यहां पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड, रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड, ये कब क्या सीन है देख लो। अगर रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, देन द गिवन सब्सटेंस इज बेस, एंड ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो गिवन सब्सटेंस इज एसिड, ये आप याद रखना। और इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है? यहां पर देखो आप एक बार फटाफट से, एसिड रेड, राइट, बेस ब्लू, कुछ चीज समझ में आई? देखो यहां पर क्या मैं कह रहा हूं, एसिड, एसिड में डी होता है लास्ट में और रेड में डी होता है, तो एसिड रेड कलर का हमेशा होगा, बेस हमेशा कौन सा कलर दिखाएगा लिटमस के अंदर? ब्लू कलर दिखाएगा, यानी कि एसिड, एसिड कौन सा दिखाएगा? रेड, बेस बी से, बेस बी से ब्लू, तो यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक अननोन सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, उसमें अगर आपने लिटमस पेपर डाला, ठीक है, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू, रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो जो दिया गया सब्सटेंस है वो बेस है आपका, बेसिक है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो दिया गया सब्सटेंस आपका कैसा है नेचर में? एसिड नेचर में, ठीक है? और इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल इन कलर होता है, बेसिकली लिटमस का जो न्यूट्रल कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल होता है। ये ट्रिक था आपको याद करने का, इसको आप किस तरह से लंबे समय के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। एसिड मतलब रेड, अगर रेड कलर कन्वर्ट हो जाता है किसी भी लिटमस पेपर के यूज करने का, वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इट मींस जो दिया गया है वो क्या है? एसिड है। अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब जो भी कंपाउंड दिया गया, जो भी सब्सटेंस दिया गया, वो कैसा नेचर है? वो बेसिक इन नेचर है। कौन सा नेचर है उसका? बेसिक इन नेचर है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां पर? नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो जो नेचुरल इंडिकेटर की हम बात करते हैं, दैट इज टर्मरिक, यानी कि हल्दी, घर में बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं? हल्दी कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका जो न्यूट्रल कलर है वो किस तरह का होता है? येलो होता है। इसका जो नेचुरल या फिर कह लो आप न्यूट्रल कलर है वो कैसा है? येलो है। क्लियर है यहां पर सभी को? अब यहां समझो बात को फटाफट से, बहुत ही बेसिक्स में। उसका नेचुरल कलर क्या होता है? मैंने क्या बताया? नेचुरल कलर होता है येलो, मिथाइल ऑरेंज का इसके बाद देख लेंगे, अभी टर्मरिक का देख रहे हैं हम। तो टर्मरिक का जो नेचुरल कलर है वो क्या है? येलो। ध्यान देना आप एक चीज, अगर आप इसमें एसिड डालोगे,
एसिड के अंदर ये कौन सा कलर दिखाएगा? अगर दिया गया सब्सटेंस एसिड होगा या फिर एसिड डालोगे तो स्टिल ये कौन सा कलर दिखाएगा? येलो, कोई चेंज नहीं होगा कलर में। और वहीं पर अगर बेस है ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। टर्मरिक एसिड, अगर एसिड दिया गया है या फिर अगर उसमें एसिड हुआ तो वो येलो कलर शो करेगा। अगर टर्मरिक राइट बेस के टच में आया या फिर दिया गया सब्सटेंस बेस है उसमें हमने हल्दी डाल दी तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ भी ऐसा आपको अननोन दे दिया जाए उसमें अगर आपने टर्मरिक मिलाकर देखा, कलर चेंज नहीं हुआ, येलो का येलो रहा टर्मरिक का कलर, तो इट मींस वो एसिड है। अगर वो लाल या फिर रेडनेस आ गया, उसमें लालीपन आ गई या रेड हो गया, तो वो दिया गया सब्सटेंस को हम क्या कह देंगे? बेस कह देंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल, कभी कभी पार्टी वगैरह में हम खा रहे हैं या स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका यूनिफॉर्म जनरली व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइट शर्ट होता है, तो अगर उसमें कभी कभी खाने का दाग लग जाता है क्योंकि खाने में हल्दी होता है तो वो येलोनेस हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसको साफ करोगे और आपने उसमें साबुन लगा दिया जो कि क्या है, बेसिक इन नेचर है, सोप क्या है, बेस है, अभी हमने देखा था स्लिपरी होता है, तो सोप क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ बेस। अगर आपने सोप उसमें रगड़ दिया तो वो किस तरह का रेडनेस कलर आ जाता है, फिर उसको अच्छे से पानी से साफ करने के बाद फिर वो जाकर के धुलता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि टर्मरिक इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड में तो येलो कलर दिखाएगी लेकिन बेस में वो रेड दिखाएगी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टर्मरिक अगर एक इंडिकेटर है तो बेस में कौन सा कलर दिखाएगा, एसिड में क्या कलर होगा टर्मरिक का। टर्मरिक इज एन एग्जांपल ऑफ, चार ऑप्शन दे देगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, किसी भी तरीके से एग्जांपल आ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी इसमें ये मतलब डाउट की बात नहीं है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अरहुल का फूल आप देखते हो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मैं करा दूं, सारे आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ ये चीजें क्लियर करके नहीं लिखी गई है, एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म में दी गई है, आप ढूंढते रह जाओगे, इस वजह से ये मैंने कहा टू द पॉइंट वीडियोस होंगे आपके लिए, ठीक है। चाइना रोज क्या है बेटा? चाइना रोज फटाफट से देखो, एसिड में कौन सा कलर दिखाता है एंड बेस के अंदर कौन सा कलर दिखाता है। सबसे पहले समझो चाइना रोज जो होता है, चाइना रोज जब हम आप तोड़ोगे या फिर फूल को जब आप देखते हो चाइना रोज के, तो वो लाइट पिंक, मतलब जब न्यूट्रल कलर इसका आप देखोगे, जो ओरिजिनल कलर होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या, अभी इसमें हमने एसिड बेस में नहीं डाला है, तो वो लाइट पिंक किस कलर का होता है, एक तरह से कह रहे लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है, जो चाइना रोज होता है, हिबिस्कस भी कहते हैं कई बार इसको, तो चाइना रोज हिबिस्कस जो भी है न्यूट्रली वो लाइट पिंक कलर का होता है, न्यूट्रली क्या होता है, वो लाइट पिंक कलर का होता है। जैसे अब हम बात करेंगे एसिड और बेस के अंदर, अगर आप उसको एसिड में डाल दोगे, अगर आप उसको एसिड में डाल दोगे तो डार्क पिंक हो जाएगा, कई लोग इसको रेड जैसा भी समझते हैं, बट आप कह सकते हो मेनली जो कलर होता है कैसा कन्वर्ट होता है चाइना रोज, उसको अगर हम एसिड में डालते हैं तो डार्क पिंक। अगर वही चीज बेस में अगर आप डाल रहे हो तो वो कौन सा कलर चेंज दिखाएगा? ग्रीन। तो क्यों हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे? क्योंकि हमको टेस्ट नहीं करना था हर सब्सटेंस को, पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी अननोन सब्सटेंस दे दिया जाए उसमें हम इंडिकेटर्स की हेल्प से पता कर लेंगे उसमें कौन सा कलर आ रहा है और वो क्या है। उसी तरह हमने लिटमस में किया कि अगर रेड कलर में आ जा रहा है तो मतलब एसिड है, अगर ब्लू आ रहा है तो वो बेस दिया गया हमें। टर्मरिक हल्दी डाला हमने, अगर येलो कलर रहा इसका मतलब एसिड है, और अगर हल्दी का रंग डालने के बाद उस सब्सटेंस के अंदर मिलने के बाद वो रेड हो गया मतलब वो बेस है, दिया गया सब्सटेंस। उसी तरीके से चाइना रोज को आप यूज करते हो इंडिकेटर के फॉर्म में, नेचुरली वो लाइट पिंक का होता है, अगर आप एसिड में डाल रहे हो तो वो गहरा पिंक या फिर रेडिश टाइप का कलर देगा आपको, डार्क पिंक देगा। इसका मतलब दिया गया जो अननोन सब्सटेंस है या कोई भी सब्सटेंस है उसको एसिड कब कहेंगे? जब चाइना रोज के संपर्क में आने से वो इंडिकेट करेगा कौन सा कलर? डार्क पिंक। वहीं अगर वो कलर चेंज में वो ग्रीन कलर दिखा दे, ठीक है, कैसा कलर आ जाए उसके अंदर? ग्रीनिश कलर आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए, इसका मतलब हम डायरेक्टली कह देंगे बिना कुछ सोचे कि वो क्या है? बेस है। दिया गया नेचुरल इंडिकेटर क्या है? बेस है। यानी कि ये कलर चेंज आपको क्लियर हो गया होगा। तो तीन आइडियाज काफी हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की आपको, जो कलर चेंज के बारे में मैंने बताया। अब नेचुरल के बाद आते हैं फटाफट से दूसरे हमारे इंडिकेटर पे, जो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है? सिंथेटिक, नाम से क्लियर है, सिंथेटिक मीन्स नॉट नेचुरल, नेचुरल नहीं होगा, सिंथेटिक जो होगा वो नेचुरल नहीं होगा, वो कैसे होगा? वो केमिकली फॉर्म्ड होगा। अब इसके अंदर
कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस नाम को याद रखना, कई बार नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, फिनोप्थेलीन, उसके बाद अब बहुत सारी चीजें हैं, मिथाइल रेड, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम मेनली मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन को पढ़ेंगे, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं नाम आपको बता दिया, कई बार एग्जाम में आता है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं साथ ही साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलीन, मिथाइल रेड, टर्मेरिक या फिर लिटमस, कुछ भी एक डाल देगा जो कि आपको नेचुरल होगा, बाकी तीन सिंथेटिक होगा। अगर आपको नहीं पता होगा कि मिथाइल ऑरेंज जैसा नाम सिंथेटिक इंडिकेटर है या फिर मिथाइल रेड सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो आप गेस वर्क करेंगे, एंड गेस वर्क मीन 50-50, यानी कि या तो आप सही करेंगे या फिर आप गलत भी कर सकते हो। तो मेक श्योर आपको तीन नाम तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोप्थेलीन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है, क्लियर है यहाँ पे? चलो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को देखते हैं। मैं जैसा कि मैंने कहा आपको, मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब डायरेक्ट पढ़ेंगे, बहुत बेसिक्स आपको मैंने बता दिया है, अब डायरेक्ट समझेंगे जो चेंज इन कलर से वो एसिड है कि बेस है, यानी कि कब हम समझेंगे कि दिया गया जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है और कब हम समझेंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस हमारा बेस है। अगर कलर चेंज किसमें हो जाए? रेड में हो जाए। अगर दिया हुआ सब्सटेंस रेड में कन्वर्ट हो जाए किसके डालने पे? मिथाइल ऑरेंज के डालने पे, तो मान लेना कि वो क्या है? एसिड है। यानी कि अगर रेड कलर दिखा रहा है मिथाइल ऑरेंज, अगर आपको रेड कलर दिखा रहा है केमिकल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, यानी कि जो भी आपको सब्सटेंस दी गई उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद, अगर वो कलर चेंज आपको रेड के फॉर्म में दिखा रहा है, इट मीन्स मिथाइल ऑरेंज के साथ जो सब्सटेंस ऐड हो रहा है दैट इज एसिड। अगर हम बेस की बात करें, अगर किसी भी अननोन सब्सटेंस जो कि एक बेस होगा उसके साथ जो मिथाइल ऑरेंज आएगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज किया जाएगा, तो वो कौन सा कलर इंपार्ट करेगा, वो कौन सा कलर दिखाएगा? तो वो दिखाएगा हमें येलो। यानी कि ये चीजें क्लियर होगी सर, अगर रेड कलर हमें दिखता है मिथाइल ऑरेंज के कंपैरिजन में, तो हम इसको कह देंगे कि वो सर एसिड है। अगर अननोन सब्सटेंस जो दिया गया है वो अगर बेस हुआ, तो जो मिथाइल ऑरेंज के साथ सब्सटेंस है उसकी कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कलर चेंज दिखाएगा आपका कौन सा इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है सर? सिंथेटिक इंडिकेटर है। आज के बाद नाम आपको नहीं भूलना है। अब इसके बाद एक और सिंथेटिक इंडिकेटर को हम देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, फिनॉल। देखो इसको लिखने का तरीका, फिनोप्थेलीन, फिनोप्थेलीन, ऐसा तो साइलेंट हो जाता, फिनॉल लिखे फिर पी लगाया, थैलीन, टी एच ए एल ई आई एन। स्पेलिंग कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कई बार हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका स्पेलिंग आपको थोड़ा सा मतलब अटपटा सा है। तो फिनोप्थेलीन एक बार आप देख लो दोबारा से, पी एच ई एन ओ एल, फिनॉल, ठीक है, पी साइलेंट था, फिनोप्थेलीन, टी एच ए एल ई आई एन, फिनोप्थेलीन। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब एक बात यहां पर आप समझो, एसिड और बेस के केस में, और ये मैं बता दूं आपको, कई बार 10 प्लस टाइम्स का ये क्वेश्चन है फिनोप्थेलीन के ऊपर। सबसे पहला, फिनोप्थेलीन कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचुरल नहीं है सर। अब इसके कलर चेंज के बारे में बात करी जाएगी। एक बात आप याद रखना, फिनोप्थेलीन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एसिड और बेस में काफी इंपॉर्टेंट आपको दिखाता है चेंजेस। जब अगर वो एसिड के कॉन्टैक्ट में हो, फिनोप्थेलीन अगर दिया गया सब्सटेंस, दिया गया लिक्विड अगर एसिड निकला, तो ये नो चेंज इन कलर दिखाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिनोप्थेलीन कोई चेंज दिखाएगा ही नहीं कलर में, अगर वो किसके प्रेजेंस में है? अगर वो एसिड है, यानी कि जो बीकर में आपको सब्सटेंस दिया गया, यहां पर जो आपको सब्सटेंस दिया गया, इसमें आपने दो ड्रॉप क्या डाला? फिनोप्थेलीन डाला, टू ड्रॉप इसमें फिनोप्थेलीन डाला, और क्या देखा कि कोई चेंज नहीं आ रहा कलर में, तो हम क्या कह देंगे डायरेक्टली सर, इसमें जो सब्सटेंस दिया गया था वो था हमारा एसिड। वो क्या था हमारा? एसिड था सर। क्लियर हो गया? यानी कि फिनोप्थेलीन वैसा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि
एसिड अगर रहेगा तो कोई चेंज कलर में दिखाएगा ही नहीं, वो कलरलेस का कलरलेस रह जाएगा सर। और वहीं पर अगर बेस निकला, अगर हमको क्या मिल गया, बेस मिल गया, तो वो लाइट पिंक कह लो आप या फिर पिंक इन नेचर हल्का कह लो आप, वो पिंक कलर दिखाएगा या लाइट पिंक कलर दिखाएगा। यानी कि इस बीकर में अगर बेसिक सॉल्यूशन दिया था, बेसिक दिया था नेचर का कोई सब्सटेंस, उसमें हमने दो ड्रॉप डाला, टू ड्रॉप फिनोप्थेलिन ड्रॉप किया, इसका कलर पिंकिश हो गया हल्का सा, इसका मतलब हमें पता चल गया कि सर ये बेस है। तो कितना आसान हुआ ना, इंडिकेटर यही तो करता है कि कोई भी सब्सटेंस में जब हम इंडिकेटर डालते हैं या इंडिकेटर के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो कुछ कलर चेंज दिखाता है। अब वो हो सकता है एसिड का हो, बेस का हो, वो तो हर इंडिकेटर का अपना है, जैसे लिटमस का अपना है रेड ब्लू, जिस तरह से आपका मिथाइल ऑरेंज का अपना है, जिस तरह से आपका चाइना रोज का अपना है ग्रीन एंड अदर, उसी तरीके से फिनोप्थेलिन का क्या है कि अगर वो कोई कलर चेंज ना दिखाए तो समझ लेना है कि एसिड है। अगर वो लाइट पिंक या फिर पिंकिश कलर दिखा दे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि पिंक कलर में चेंज हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इट इज बेस। जो दिया गया सब्सटेंस है वो किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। इस तरह से हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा मेन पार्ट है, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं, बट इंपॉर्टेंट है। क्या है ऑल्फैक्टरी, कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल्फैक्टरी नाम से क्लियर है, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है ना, रिलेटेड टू स्मेल, रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल के आधार पे, ठीक है, स्मेल के आधार पे आप बता पाओगे कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। ये कौन कर पाता है, ये वैसे इंडिकेटर्स कर पाते हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपको ये बताते हैं कि स्मेल है कि नहीं है। इसमें सबसे पहला और जो मुख्यतः एग्जाम्पल आता है, जो कि आप देखोगे मेनली दो एग्जाम्पल, एक पढ़ेंगे हम, सेम फंक्शन दिखाता है दूसरा भी, सेम काम है दूसरा का भी, तो इसलिए दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बेसिक एक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं ऑल्फैक्टरी कैसे काम करता है। सभी कोई ओनियन के बारे में जानते हैं, यानी कि प्याज के बारे में। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, सभी को पता है जो प्याज होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। अगर इसको आप ऐड करोगे ना एसिड, तो क्या दिखेगा आपको, और जब ऐड करोगे इन बेस क्या दिखेगा, इससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। इंडिकेटर्स का काम क्या है, एसिड बेस में डिफरेंशिएट करना। तो जब आप अनियन का यूज करोगे, अनियन के पास क्या होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है। इधर मैं एक बार रब कर दूं, अनियन के पास अपना क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हार्ड स्मेल होता है। तो जब उस अनियन को हम एसिड के प्रेजेंस में ले जाते हैं और बेस के प्रेजेंस में ले आते हैं, हमें नहीं पता वो एसिड है कि बेस है, बट अगर वो एसिड हुआ तो क्या चेंज देगा, क्या स्मेल में डिफरेंशिएट आएगा, और अगर वो बेस हुआ तो क्या स्मेल में फर्क पड़ेगा, क्या स्मेल में डिफरेंशिएशन आएगा, वही आपको बताता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बताता है वो आपको, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जो प्याज का गंध होगा ना, अगर वो बेस हुआ, अगर वो बेस हुआ तो आपको कोई स्मेल नहीं दिखेगा, यानी कि स्मेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा अगर बेस हुआ तो। वहीं पर अगर एसिड हुआ तो यू विल गेट वनियन स्मेल। बात समझ लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमको पता नहीं है वो एसिड है कि बेस है, लेकिन अगर हमने प्याज का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, प्याज को थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लिया या फिर उसका एक्सट्रैक्ट ले लिया, और अगर हमने उसको ऐड किया उस अननोन सब्सटेंस में, अगर वो एसिड हुआ तो आपको अनियन का स्मेल जैसे आ रहा था, जैसे अनियन का गंध था आपका, ठीक है, वो आता रहेगा, और अगर वो बेस हुआ तो आपको स्मेल नहीं आएगा, यानी कि जो अनियन का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल था ना वो क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो अनियन का स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको फील होगा ही नहीं, अब आप अनियन का स्मेल फील कर ही नहीं पाओगे। तो बेस का यही कैरेक्टर है, अगर बेस हुआ तो वो स्मेल नहीं आएगा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल एक अननोन, आपको पता नहीं है वो एसिड है कि बेस, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया अननोन
सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, इसमें ऐड किया आपने क्या, ऑनियन एक्सट्रैक्ट को ऐड किया जिसका कि क्या से स्मेल था। अब आपको बताया जा रहा है कि स्मेल गायब हो गया, यानी कि स्मेल इज नॉट देयर। तो ये जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिड था कि बेस था, तुरंत बताओगे सर अगर स्मेल गायब हो गया, स्मेल नहीं है, यानी कि दिया हुआ सब्सटेंस जो था अननोन सब्सटेंस था वो कैसा था सर, वो बेस था। वो कैसा था, बेस था, क्योंकि बेस स्मेल खत्म कर देती है, बेस में क्या होता है स्मेल खत्म हो जाता है अनियन का। तो ये इंडिकेटर है किसका, बेसिक इंडिकेटर, बेस बताने का। वहीं अगर एसिड होता सर तो जैसे पहले स्मेल आ रहा था अनियन का वैसा ही बाद में भी आता, स्मेल करके हम देख सकते हैं। तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसी में एक और एक्सपेरिमेंट या एक और हम लोग करते हैं वैनिला एक्सट्रैक्ट का भी, हम लोग इसी तरह से करते हैं। उसमें भी अगर कोई स्मेल नहीं आए तो मान के चलोगे हम कि वो बेस है, अगर स्मेल आए तो वो हमारा क्या है एसिड है, वो हमारा क्या है एसिड है। क्लियर है। अब अगले वीडियो में, इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं कि सर ये चीजें तो आपको, एक चीज मैं आपको यहीं पे उसको आपको इलैबोरेट कर दूं कि सर ये तो ठीक है आपने इंडिकेटर्स की बात की, लेकिन ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि एसिड है कि बेस है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है सर, एसिड या फिर बेस बता रहा है, सिर्फ ये बता रहा है, ओनली इट इज टेलिंग दैट इट इज एसिड और बेस। क्या ये इसका स्ट्रेंथ बता रहा है, नो, कैन नॉट टेल स्ट्रेंथ ऑफ इट, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, कुछ नहीं पता हमें, वीक बेस है, कुछ नहीं पता हमें। क्या ये चीज हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है। क्या हम इंडिकेटर्स की हेल्प से ये जान सकते, नहीं। तो ये ड्रॉबैक में आप लिख लो, ये याद रखना, कई बार ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक क्या है इंडिकेटर्स का, इंडिकेटर्स का ड्रॉबैक क्या है, इट कैन नॉट टेल द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को ये नहीं बता सकता है, ये नहीं बता सकता है कि दिया गया अननोन सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है। तो जो आपका इंडिकेटर्स होता है ना, जो आपका इंडिकेटर्स है वो नहीं बता पाता, कैन नॉट टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। दैट्स व्हाई एक नया टर्म आता है, इसलिए इसके बाद अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखने वाले हैं, उसके पहले देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ एसिड बेसिस, डिफरेंट डेफिनेशंस, एंड थर्ड में उस टॉपिक को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल जितने होंगे वो करेंगे। उस टर्म का क्या नाम है दोस्तों, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल ये चीजें हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्स करके बनाया जाता है, मिक्सिंग ऑफ इंडिकेटर्स टू गिव, इसमें भी कलर चेंज होता है, इसमें भी कलर चेंज से ही हम कलर चेंज, और ये क्या बताता है, ये आपको स्ट्रेंथ बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस, यानी कि उस एसिड और बेस का क्या स्ट्रेंथ है, वीक है नहीं है, कौन सा इंडिकेटर लगेगा, फेनोप्थेलिन लगेगा, मिथाइल ऑरेंज लगेगा, वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, सारी चीजें आपको बताएगा कौन सा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम पढ़ेंगे। क्यों ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आया, क्योंकि ये आपको स्ट्रेंथ बता रहा है। जो हमारा इंडिकेटर्स होता है नेचुरल सिंथेटिक ऑल्फैक्टरी, वो हमें सिर्फ ये बताता है कि जो दिया गया सब्सटेंस, अगर फॉर एग्जांपल ये एक सब्सटेंस है तो ये एसिड है कि बेस है, सिर्फ इतना बताएगा, ये एसिड है बेस है ये तो बता देगा, लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या ये वीक एसिड है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या ये वीक बेस है, ये कौन बताएगा, ये नहीं बता पाएगा वो। तो इसी के लिए, इसको बताने के लिए आएगा हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को फाइंड कर सकते हो, डेली अपलोड करूंगा मैं, मैंने स्टार्ट करा ये न्यू सीरीज, तो आई होप आपको पसंद आया हो। चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई रखने की प्रयास की गई है, टू दी पॉइंट रखने का प्रयास किया गया है, जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठाकर बना लोगे, आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये मैं वादा कर सकता हूं, क्योंकि जो कंटेंट है इसमें वो क्लास 6 से क्लास 12 तक का कवर किया जा रहा है, प्रॉपर रिसर्च कंटेंट है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। हाँ, क्वालिटी इशू हो सकता है ड्यू टू व्हाइट बोर्ड और ब्लैकनेस और लाइट।
कंडीशंस के कारण, बट जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट होगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लेलिस्ट पर जाकर के हमारे चैनल के ऊपर जनरल साइंस और कॉम्पिटेटिव एग्जाम टीचिंग एग्जाम्स सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आपसे मैं मिलूंगा नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिंक भी है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर आस्क्ड उस चैप्टर्स के, ताकि आप उसको सॉल्व कर सको, प्रैक्टिस कर सको। तो वो एप्लीकेशन के ऊपर है, जाकर के वो आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का भी लिंक है तो उस पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।